अस्सलामुअलैकुम जी। जी अजीज दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी डेट अनाउंस हो चुकी हुई है, कैंडिडेट्स के कैंडिडेचर्स अप्रूव हो चुके हुए हैं और जिन्होंने विड्रॉ करने थे विड्रॉल हो चुकी है और 18 अगस्त को पोलिंग डे है। तो बहुत से दोस्तों के कुछ क्वेश्चन थे कि हम वोट कैसे डाल सकते हैं, कौन किसको वोट डाल सकता है, क्या अगर कोई बंदा उसका डोमिसाइल पंजाब का है और वो सिंध में जॉब कर रहा है, या सिंध वाला बंदा पंजाब जेपी के में जॉब कर रहा है, तो क्या वो यहाँ पे वोट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता। काफी सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के जरिए से इन तमाम क्वेश्चन को आंसर किया जाए। तो आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि वो तमाम प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और 29 अगस्त को फाइनल लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे भी आ जाएगी और मे भी शायद प्रिंट मीडिया में भी आ जाएगी। और 18 अगस्त को पोलिंग डे है। पोलिंग स्टेशंस जब जहां जहां पे बनेंगे उसका भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया जाएगा कि किस किस इलाके में कहां कहां पे पोलिंग स्टेशंस बनेंगे। उसके बाद रिजल्ट कंपाइलेशन है 19 से 22 अगस्त तक और 23 अगस्त को फाइनल डिक्लेरेशन आ जाएगी, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद 23 से 29 तक अगर कोई कैंडिडेट एक से ज्यादा सीटों पर उसने कंटेस्ट किया है और उसने विन किया है, उसने फिर एक सीट रखनी होगी, बाकी सीटों से विड्रॉ करना होगा। और 30 अगस्त 2024 विल बी द फाइनल डेट और उस दिन फाइनल लिस्ट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। ये तो था एक स्केड्यूल। अब हम इसके जिक्र करेंगे कि किसी भी जो वोटर है उसको वोट कैसे डालना है और किसको डालना है, क्या तरीकाकार है। तो ये मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि इसके अंदर नंबर वन एक सीट है चेयरमैन की, जो कि पूरे पाकिस्तान बेस्ड है और तमाम इंजीनियर्स ने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जिसको वो बेहतर समझते हैं और उसका अहल समझते हैं उसको वोट दे सकते हैं। यानी कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इस सूबे से है या उसका डिसिप्लिन क्या है, तमाम इंजीनियर्स जो चेयरमैन है उनको वोट डालेंगे। उसके बाद सीनियर वाइस चेयरमैन है, वो भी पाकिस्तान बेस पे है, तमाम इंजीनियर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोविंस वो अपने पसंदीदा वाइस सीनियर वाइस चेयरमैन को वोट कास्ट कर सकते हैं। तीसरी सीट आती है वाइस चेयरमैन की, जो कि चार सीटें हैं और चारों प्रोविंस से एक एक सीट है। इसमें कंसर्न्ड प्रोविंस के वोट डालेंगे लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन है, यानी कि अगर पंजाब का कोई वाइस चेयरमैन है तो उसको पंजाब के तमाम डिसिप्लिन के लोग वोट कास्ट करेंगे। इसी तरीके से सिंध का, केपीके का और बलोचिस्तान के वाइस चेयरमैन को उस मुतलका सूबे के तमाम इंजीनियर्स वोट कास्ट करेंगे। अब आगे आ जाता है जो सबसे डिफिकल्ट होता है या जिससे लोगों को दोस्तों को थोड़ी सी मुश्किलात है कि किसको अपने जो जीबी का वोट होता है, गवर्निंग बॉडी का वोट होता है। अब मैं फॉर एग्जांपल माइनिंग की बात करता हूं तो माइनिंग की चार सीटें हैं चारों सूबों से, पंजाब से भी, सिंध से भी, केपीके भी और बलोचिस्तान से, लेकिन इसको मर्ज किया गया हुआ मुख्तलिफ डिसिप्लिन के साथ। पंजाब से ये सीट मर्ज है एग्रीकल्चर, माइनिंग, मेटलर्जी और पेट्रोलियम या पेट्रोल गैस के साथ, ये चार डिसिप्लिन के साथ एक सीट है। कोई भी इनमें से कैंडिडेट खड़ा हो सकता है और आप अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट डाल सकते हैं। अब जब आप पंजाब के कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं तो आपको चार बैलेट पेपर मिलेंगे अपने जीबी के वोट के लिए, चार बैलेट पेपर मिलेंगे। एक आपने अपने मुतलका सूबे के बंदे को डालना है, दूसरा आपने सिंध, बलोचिस्तान और केपीके, यानी कि इस तरीके से आपको सात बैलेट पेपर मिल रहे हैं।
ये मैं माइनिंग की बात कर रहा हूँ, और अदर डिसिप्लिन जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या सिविल है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, तो शायद उसके अंदर आपने हर कैंडिडेट्स ने उसी सीट के हिसाब से वोट उससे भी ज्यादा लोगों को टिक करना है। तो ये था एक सिंपल प्रोसेस। अब एक क्वेश्चन और है कि आया एक बंदा जो बलोचिस्तान से बिलोंग करता है या सिंध से बिलोंग करता है, तो वो जॉब करता है पंजाब में या केबीके में, तो क्या वो भी वोट कास्ट कर सकता है? तो जी हाँ, कोई भी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करता है, वो किसी भी पोलिंग स्टेशन जो उसके करीब तीन पोलिंग स्टेशन है उस पर जाए और अपना आइडेंटिटी अप्रूव करे, यानी कि अपना उसका जो पीसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपना कार्ड वो शो करेगा, वहां पर उसका बायोमेट्रिक होता है और उसको बैलेट पेपर मिल जाएंगे और वहां पर वोट कास्ट कर सकता है। यानी कि पंजाब का बंदा अगर सिंध में है तो वो भी वोट कास्ट कर सकता है, सिंध का बंदा पंजाब में या किसी भी शहर में है तो वो किसी भी पोलिंग स्टेशन के जो उसके करीब तीन पोलिंग स्टेशन है वहां पर जाकर अपना वोट कास्ट कर सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसको उसी सूबे का होना चाहिए या उस सूबे का नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ी सी जो कंफ्यूजन आती है कि और हम किस किस को वोट डाल सकते हैं, मैं इसी की अगर बात करूं कि जो माइनिंग है तो पंजाब के अंदर मेटलर्जी, एग्रीकल्चर, माइनिंग और पेट गैस ये एक कैटेगरी में आते हैं और उनकी एक सीट है। जबकि जो केपीके के दोस्त हैं वो मैकेनिकल भी इसके साथ मर्ज है, यानी कि मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, मेटल, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड पेट गैस, ये तमाम डिसिप्लिन के लोग पंजाब के कैंडिडेट को भी वोट दे सकते हैं। यानी कि इन्होंने अपने केपीके के कैंडिडेट को भी वोट देना है और इसी तरीके से इन्होंने पंजाब के कैंडिडेट को वोट देना है, सिंध के कैंडिडेट को वोट देना है और बलोचिस्तान के कैंडिडेट को वोट देना है। इसी तरीके से अगर हम सिंध का देखें तो सिंध के अंदर मैकेनिकल है, मेकाट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल है, न्यूक्लियर है, टेक्सटाइल है, ऑटोमोटिव है, ये डिसिप्लिन मिलके इनकी दो सीटें हैं और ये अपने मुतलका कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। ये पंजाब के कैंडिडेट को भी वोट देंगे और अपने कैंडिडेट को भी वोट देंगे। तो इस तरीके से ये एक डिवीजन है कि मैं इसको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी देता हूं। हाँ, उससे पहले एक और बड़ा क्वेश्चन जरूरी है कि आप अपना वोट चेक कर लें कि आया कि आप रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, आप वैलिड वोटर्स हैं कि नहीं है। वो पीसी की वेबसाइट पे भी मौजूद है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। आप सिंपली उसको क्लिक कीजिए, उसको ओपन कीजिए और उस लिंक के ऊपर आप अपनी पीसी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे और अपनी टेक्नोलॉजी लिखे और आपको पता चल जाएगा कि आया आप रजिस्टर्ड वोटर्स है या नहीं है। ठीक है जी, अगर आप रजिस्टर्ड वोटर्स हैं तो वो सारे प्रोसेस पे आप जाके वोट कास्ट कर सकते हैं। मजीद भी अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन डे के हवाले से, पोलिंग स्टेशन का मैंने जिक्र किया कि मजमूई पोलिंग स्टेशन की डिटेल आती है तो वो भी हम शेयर कर देंगे और उसकी भी मैं एक वीडियो बना के दोस्तों की सहूलत और आसानी के साथ शेयर कर दूंगा। और मजीद कोई मलूमात आपको चाहिए हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर भी दूं। तो सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा तमाम इंजीनियर से कि वो अपने अपने बेहतरीन कैंडिडेट्स को जरूर वोट डालें, जिसको वो समझते हैं कि वो बेहतरीन कैंडिडेट है, और वोट का राइट जरूर इस्तेमाल कीजिए और सही कैंडिडेट को पहचानिए और उसका वोट दीजिए। बाज़कात हमें वोट डालने का प्रोसेस का पता न होने की वजह से वोट जाया हो सकता है, तो उसको जरूर अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा आप पूछ सकते हैं, इस वीडियो को आप दोबारा सुन सकते हैं, इसके और सीनियर से आप पूछ सकते हैं वोट कैसे डालना है और उसका प्रोसेस क्या है। वैसे इलेक्शन डे के ऊपर नॉर्मली वहां पे लोग होंगे, हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट होंगे, सीनियर लोग होंगे, वो भी वहां पे गाइड कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमें अवेयर होना चाहिए, हमें नॉलेजफुल होना चाहिए कि हम किसको वोट डाल सकते हैं
किस डिसिप्लिन का किस डिसिप्लिन के बंदे को वोट डाल सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको अपने तमाम इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस हवाले से नॉलेज और अवेयरनेस आ जाए। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।